हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे मे इनटेक 2022 के बारे में। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें एडमिशन क्राइटेरिया ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर थ्री पे जो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, वो है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर करीब करीब 8 to 10 कोर्सेज जो हैं ओपन है मे 2022 इनटेक के लिए। अप्रैल और मई इनटेक जो है वो दोनों ओपन है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसमें एप्लीकेशन कर सकते हो आप। आपकी जो फीस रहती है ये 13,000 पाउंड्स के आसपास इसमें रहती है, और अप टू 1,500 to 2,000 पाउंड्स आपको स्कॉलरशिप इसमें मिल जाती है। ये यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स वो न्यूकासल में है, न्यूकासल जो है स्कॉटलैंड के अंदर आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। अप नॉर्थ के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में नंबर टू पे जो यूनिवर्सिटी आती है फ्रेंड्स, वो है अल्स्टर। अल्स्टर यूनिवर्सिटी का बेनिफिट ये आपको ये है कि इसके लंदन कैंपस भी है और अल्स्टर में भी इसका कैंपस है, तो इसके अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल है। अगेन 13,000 पाउंड्स तक की आपकी फ़ीस रहती है और 2 to 3,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप्स आपको इसमें मिल जाती है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिनिमम जो है 70 मार्क्स इन 12th चाहिए होते हैं। अगर वो आपके पास है तो आपको आइल्स का वेवर मिल जाएगा, और अगर आप पंजाब और हरियाणा बोर्ड से हैं फ्रेंड्स तो आपको आइल्स वेवर इसमें नहीं मिलेगा, आपको आइल्स देना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं नंबर वन यूनिवर्सिटी की, जो मेन टेक के लिए सबसे अफोर्डेबल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसका जो कैंपस है फ्रेंड्स वो लंदन के अंदर है, मेन कैंपस, और लंदन के अंदर तीन अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, इसके कैंपसेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि आपकी जो फीस है वो 15,000 पाउंड्स है, और अगर आपकी परसेंटेज ठीक है यानी 55% या उससे अबव है तो आपको 3,500 पाउंड्स तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं, स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें अगर आपके पास 60 मार्क्स भी हैं 12th इंग्लिश में तो आपको आइल्स का वेवर है। अगेन पंजाब हरियाणा बोर्ड में आपको आइल्स देना मैंडेटरी है, और बाकी सारे बोर्ड्स पंजाब और हरियाणा के अलावा 70 मार्क्स अगर आपके पास इंग्लिश में है तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहेगी। तो अगर आप कभी भी मेन टेक प्लान कर रहे हैं तो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आपको करीब करीब 50 कोर्सेज जो हैं वो रन करते हैं मेन टेक में। सबसे बड़ा जो कोर्सेज का लिस्ट है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के पास ही रहता है, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस करनी है फ्रेंड्स तो आप www.meridian.org पे जा सकते हैं। लाइव वीडियो काउंसलिंग आप ले सकते हैं, और साथ में आपकी स्मूथ एप्लीकेशन रहे उसके लिए आपको एक्सपर्ट काउंसलर जो है लाइव वीडियो काउंसलिंग आपको देंगे। और ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स आपको मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप टॉप काउंसलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपनी काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने किसी भी काउंसलर के साथ आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वीज़ा फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ रहे।